तो आज हम राजस्थान की एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाने वाले हैं और वो है आलू प्याज की सब्जी और टिक्कड़। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया और जबरदस्त है ना कि आप एक बार जब बनाएंगे ना तो क्या जानते हैं। और सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगी मौर्य सर को जिन्होंने अपने चैनल पर मुझे रेसिपी सिखाने का मौका दिया। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं और बनाते हैं आलू प्याज और टिक्कड़। सबसे पहले हमें टिक्कड़ का आटा लगाना है। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा और ये है लगभग थैंक। इसके बाद ये लिया है मैंने आधा कप बेसन, कच्चा बेसन है ये रोस्टेड किया। इसके बाद क्या है 1/4 कप मक्की का आटा, मक्की का आटा यानी की कॉर्न। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये तीनों आटों का रहेगा और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही आपको ये। तो चलिए आटा लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, इसके साथ ही ये बेसन और फिर हमने डाल दिया है मक्की का आटा। पर अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले जिससे टिक्कड़ बहुत टेस्टी लगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने नमक जो कि आपको स्वाद के अनुसार डालना है। फिर आपको डालना है यहाँ पर इसमें अजवाइन, अजवाइन आप जरूर से ऐड कीजिए वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद यहाँ लिया है मैंने कसूरी मेथी, इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर हरा धनिया जिससे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और बारीक बारीक चॉप कर लिया। फिर हम डालेंगे यहाँ पर फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, इसके बाद डालेंगे हम लगभग 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, ज्यादा लाल मिर्च पाउडर इसमें हमने डालेंगे और फिर डालेंगे बढ़िया सा कलर। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that. Still.
सब्जियों में जो है दही ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप सब्जी में दही यूज कर रहे हैं तो सब्जी जो है वो घी के साथ ही बनेगी। चलिए जैसे ही ऑयल और घी गर्म होता है इसमें हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। जैसे ही सारी चीजें अच्छे से क्रैकल हो जाती है उसके बाद इसमें जो है खड़े स्पाइसेस मतलब जो आखिरी मसाले होते हैं ना जैसे कि तेज पत्ता, साथ ही एक सूखी हुई लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची, दो हरी इलायची, तीन से चार लौंग और दो से तीन काली मिर्च। सभी चीजों को हम थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर दो से तीन हरी मिर्च, एक छोटा अदरक का टुकड़ा और साथ में पांच से सात लहसुन की कलियां ली है जिसको मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। बहुत अच्छी सी महक आ रही है किचन में। गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पर मीडियम रखना है ताकि सारी चीजें अच्छे से पक जाए और जैसे ही लहसुन और अदरक थोड़ा सा पक जाते हैं इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं दो से तीन मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट बना दिया है। इसमें हम डाल देते हैं और प्याज को बाकी से गुलाबी होने तक पकाना है हमें। तो यहाँ पर प्याज जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी, दो टमाटर है इसमें मैंने मिक्सर जार में प्यूरी बना दी। गैस की फ्लेम को अभी आपको यहाँ पर लो रखना है क्योंकि इसमें हम ऐड करने वाले हैं मसाले। तो सबसे पहले मसालों में जाएगा यहाँ पर नमक जो कि आपके स्वाद के अनुसार जाएगा। इसके साथ इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसके साथ ही बहुत सारा इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से जो सब्जी है ना उसमें थोड़ी सी थिकनेस मिलेगी, ग्रेवी अच्छी लगेगी। एक बार हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी किसी के साथ डालने से क्या होगा कि थोड़ी सी अच्छी कुक हो जाएगी, मसालों के साथ रंग जाएगी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला लगभग 1 टेबलस्पून। गरम मसाला यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो अब हमें कोई और मसाले ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। और अब टमाटर के साथ ये सारे मसाले हमें कुक करने के लगभग 1 मिनट तक और सबसे बड़ी बात है कि हमारे किचन में ही सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, मार्केट जाके कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। जब घर में कुछ ना होना तो आलू प्याज तो हमेशा ऐसी चीज है जो हमारे घर में मेहमान की तरह रहते ही है, मतलब मेहमान है लेकिन रहते ही है। चलिए अब इसे हम तब तक और पकाएंगे जब तक मलाई का जो है ना थोड़ा सा घी भी बन जाता है। गैस की फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई कर देती हूँ और कंटिन्यू इसे हम स्टर करते रहेंगे। और पानी में हम आने देते हैं थोड़ा सा उबाल। यहाँ पर जो आलू प्याज साइड में रखे थे ना उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और सभी चीजों को बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसको आपको ढककर रखना है और 10 मिनट तक कुक करना है। चलिए आटे को भी जब तक है ना अच्छा सा रेस्ट होने चुका है, ये देखिए, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक और बीट कर लेते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारे बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा है ना बड़े साइज का बॉल लेंगे आटे में, बॉल मैंने बना ली है
इसको हम रखेंगे चटनी पर और इसको हम बेल लेते हैं। ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ चिकन रोटी ही बनेगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी मीडियम साइज की बना रही हूँ, आप चाहे थोड़ी बड़ी या थोड़ी सी छोटी बना सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम चटनी खाएंगे इस तरह से, बस ऐसे ही खाली लुकिंग वाइज अच्छा दिखाने के लिए इस तवे के ऊपर रोटी को डाल देंगे। ध्यान रहे कि तवा पहले आपको अच्छे से गर्म करना है, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद तवे की जो फ्लेम है ना वो सबसे लो कर दें, क्योंकि रोटी की थिकनेस अच्छी है तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक या हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सेक लें। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, रोटी को ना इस साइड से पलटी मारेंगे। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर भी इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप सेक लें। अंदर से इसकी अच्छी सी सिकाई होगी और फिर टेस्टी लगेगी। अंदर से अच्छे से सेकना इसको बहुत जरूरी है। ये देखिए रोटी का जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, और दोनों साइड से मैं होने का परफेक्ट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमने इस तरह से इसको सेक लिया। चलिए इसको उतार लेते हैं और सब्जी को भी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी सब्जी, यहाँ पर जो सब्जी है इसने घी और ऑयल सारा रिलीज कर दिया है, और अच्छे से जो है आलू भी पक चुके हैं। बस इसी से इसको गैस को बंद कर देते हैं और फटाफट से सर्व कर लेते हैं। चलिए अब रोटी तो हमारी सिक चुकी है, देखकर इस तरह से हम दोनों फिंगर की हेल्प से इस पर इस तरह से इसको और चिमटी भरेंगे ताकि इसमें जो है एक घोल बन जाए और हम जो है इसमें बहुत सारा घी भर सके। थोड़ा घी डालना है, उसके बाद दोनों हाथों से इस तरह से आपको इसको भूनना है और फिर इस गोल जैसा शेप बना के उसके बाद इसमें आप 2 से 3 चम्मच डालिए इस पर घी। और ये है हमारी बहुत ही बढ़िया सी टिक्कर, और ये रही हमारी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी जिसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। लग रही है ना टेस्टी सी, और आ रहा है ना मुंह में पानी। और फिर ये है मसाले वाले प्याज, इतना बढ़िया सा खाना और वो भी सिर्फ 15 सेकंड।